गणपते नमः ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं आपको कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और कुछ ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में आपको बताने आई हूँ, जिससे कि आप अपनी जो भी कुंडली है अपने दर्शक अपने आचार्य को दिखा के उसका लाभ भी ले सकते हैं और अगर कोई नुकसान होने वाली घटना है तो उससे बच भी सकते। तो मेरा आपको YouTube पे आके बताने का यही मतलब होता है कि जो भी दर्शक है, बहुत से दर्शक तो आजकल अपनी कुंडली का खुद ही अवलोकन कर ले और जो नहीं कर सकते वे अपने आचार्य को जरूर दिखाएं और अपनी कुंडली के अवलोकन के हिसाब से जो भी उसका उपाय हो सकता है या जो आप प्रकोशन ले सकते हैं आप ले सकते। शुक्र भी 1 अक्टूबर को सिंह राशि में मगर नक्षत्र में चेंज हुए हैं और 17 अक्टूबर को सूर्य जो है शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल जो है 3 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पे कि पहले ही केतु वहां पे विराजमान है अग्नि तत्व और मंगल का अग्नि तत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा केतु के मिलने से, क्योंकि केतु का सर नहीं होता और इसे कोई सोचने समझने की कोई भी शक्ति नहीं होती, यह सिर्फ फोर्स के साथ अपना काम कर। अब आप देखिए जब ग्रह परिवर्तन होते हैं तो उससे पहले और कुछ समय बाद तक इसकी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। अब जैसे देखिए मुखर्जी नगर में अग्नि लगी, अजातपुर मंडी में फ्रूट मंडी में आग लगी और कितने वहां पे आड़तियों का नुकसान हुआ होगा। दूसरा अभी कुछ उपद्रव होने वाले हैं, ये मंगल केतु की जो युति है और सूर्य का 17 अक्टूबर को परिवर्तन होना, यह कुछ अग्नि तत्व लड़ाई झगड़ा जनता और सरकार के बीच में आमना सामना, कुछ राजनेताओं में काफी उठा पटक होना, दल बदली होना, इस प्रकार की कुछ घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। और जहां पे लड़ाई की घटना आपको सुनने को मिले या देखने को मिले, मैं अपने सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि सरकार की गाइडलाइंस के ऊपर चले, सरकार का साथ दें, कुछ ऐसे उपद्रव ना करें जिससे आपके घर वालों को पीछे से पछताना पड़े और आपको उस उपद्रव में जाने का नुकसान हो। कुंभ लगन और कुंभ राशि के अंदर जो मंगल की युति बनेगी वह बनेगी 10वें स्थान में, तो 10वें स्थान में जो है मंगल दिग्बली होता है और उनके मतलब कार्य स्थान में प्रमोशन होने की मतलब बन सकती है और कोई प्रॉपर्टी के द्वारा उनको लाभ हो सकता है, व्हीकल के द्वारा उनको लाभ हो सकता है। अगर कोई व्हीकल लेने की सोच रहे हैं तो मैं ये बोलूंगी कि उनको उससे भी लाभ हो सकता है। तो कुछ ऐसे ऐसे योग बनते हैं जिसके अंदर हम जब ग्रह परिवर्तन होते हैं तो हम उन दर्शकों को बताते हैं। अब बहुत से दर्शक मेरे को बोलते हैं कि माँ ये कैसे होता है कि भी आप 1-1.5 महीने में बोलते हो ये काम आपको लाभ देगा ये काम आपको नुकसान देगा। देखिए इसका क्या होता है कि आपके जन्म के ग्रह कहाँ बैठे हैं और गोचर में वो कहाँ से आ रहे हैं। गोचर का मतलब होता है कि आप रहते तो गुड़गावा में हैं और अभी इस समय आप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हैं, तो आपको यह बताया जाएगा कि आप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आए हुए हैं, तो गोचर का यह मतलब होता है। तो जो ग्रह आपका जन्म का जहां बैठा हुआ है वह गोचर से किस जगह चल के आ रहा है, क्योंकि गोचर से ही हमारे एक्सीडेंट देखे जाते हैं, गोचर से ही हमारा रोग देखा जाता है, गोचर से हमारी प्रमोशन देखी जाती है और गोचर से ही हमारा नौकरी से निकाला जाना या कार्य में नुकसान, यह गोचर के फल हमें देते हैं। तो जब गोचर के ग्रह चेंज होते हैं तो मैं अपने दर्शकों को बताती हूँ। अब देखिए कन्या लगन वाले व्यक्ति हैं जो, उनके दूसरे स्थान में मंगल और केतु की युति बनेगी। अब जो अपने कुंडली को देखते हैं तो वह अपने कुंडली का अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं। कन्या लगन या कन्या राशि के दूसरे स्थान में
आपके मंगल और केतु की युति बनेगी। तो वाणी के द्वारा आप किसी को दुख पहुंचा सकते हैं, या वाणी के द्वारा आप ऐसे अब शब्द बोल सकते हैं कि आपके संबंधों में विच्छेद आ सकता है, आपके संबंधों में करवाहट आ सकती है। तो मैं बहुत से अपने दर्शकों को, जो लोग मेरे से कांटेक्ट में रहते हैं या जिनकी मैं कुंडली का अवलोकन करती हूँ, उनको मैं समय समय पे बताती हूँ। अभी मैंने किसी को बताया था कि आपका कन्या लगन है और कन्या लगन से आपके दूसरे स्थान में मंगल और केतु की युति बन रही है, तो अपनी वाणी पे थोड़ा विराम देना। अगर कोई व्यक्ति आपसे उलझता भी है तो आप आंखों से देखो, कानों से सुनो, मुंह से आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि आपकी वाणी इस वक्त पकड़ी जाएगी। तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि जब भी कोई ग्रह गोचर से आपके किस स्थान में आ रहा है, आपको उस हिसाब का फल मिलेगा। अब देखो, मैंने कन्या राशि और कन्या लगन का बोला, उनके दूसरे स्थान में आ रहा है। अब इसी तरह से आप सिंह राशि ले लीजिए, तो सिंह राशि के कहाँ आएगा, तीसरे स्थान में आएगा। तो तीसरा स्थान क्या है, पराक्रम का है, मंगल वहां बलि है, तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेगा, आपके पराक्रम के द्वारा आपको लाभ देगा। और फिर उसकी आठवीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पे पड़ रही है, तो कर्म के द्वारा आपको कोई लाभ होगा। इसी प्रकार कर्क राशि ले लीजिए, कर्क राशि के चौथे स्थान में मंगल और केतु की युति बनेगी, तो भूमि के द्वारा कुछ नुकसान, माता के स्वास्थ्य में कुछ नुकसान, या कुछ मन विचलित रहेगा। चौथा स्थान चंद्रमा का होता है, चौथा घर चंद्रमा का होता है, तो कर्क लगन भी हो गया, तो आप देखिए कुछ मन विचलित रहेगा, कुछ मन में उदासी रहेगी। मिथुन लगन ले लीजिए या मिथुन राशि ले लीजिए, उसके पंचम में आएगा, पंचम में संतान के साथ कुछ उलझन हो सकती है, भाग्य में कुछ रुकावट आ सकती है, और लाभ स्थान में कुछ आपके लाभ में हानि हो सकती है, क्योंकि उसकी आठवीं दृष्टि आपके व्यय स्थान में पड़ेगी। तो कुछ लाभ जो होना है उसके बदले में आपको हानि होने की संभावना बनेगी। दूसरा फिर आपका आ गया वृष, वृष लगन ले लीजिए या वृष राशि ले लीजिए, उसके आपके छठे स्थान में पड़ेगी। छठे स्थान में जो मंगल होता है वह बलि होता है, वह शत्रुओं की हानि करेगा, कर्म को बढ़ाएगा, धर्म को बढ़ाएगा आपके, और कुछ व्यय भी कराएगा। किसके ऊपर, धर्म और कर्म के ऊपर। तो मेष राशि के सप्तम में आएगा, सप्तम में आने का मतलब आपके कार्य को बढ़ोतरी देगा, क्योंकि उसकी चौथी दृष्टि राज्य कार्य में पड़ेगी, तो उसमें वह बढ़ोतरी देगा। उसके बाद आपके लगन को देख के आपके अंदर कुछ जोश, मंगल जहां देखता है वहां पे जोश देता है, तो उसके अंदर जोश देगा, लेकिन वाणी में कुछ कटुता ला देगा। तो उसके लिए मतलब मैं ये बोलूंगी कि मेष राशि और मेष लगन वालों को अपनी वाणी पे कंट्रोल करना चाहिए। तो इसी प्रकार मीन का भी आएगा, कुंभ का भी आएगा। अगर आप कुंभ राशि और कुंभ लगन को देखें तो उनके साथ दसवें स्थान में तुला राशि आएगी, तो वह तुला राशि जो उनके दसवें स्थान में मंगल और केतु की युति बनेगी, वह प्रॉपर्टी को देखेगी, वाइकल को देखेगी, प्रॉपर्टी के द्वारा उनको लाभ होगा, वाइकल के द्वारा उनको लाभ होगा। इसमें अगर कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस करता होगा तो उसको यह 45 दिन लाभ के मिलेंगे, लेकिन 30 अक्टूबर को केतु यहाँ से निकल के कन्या राशि में आ जाएगा। जब तक 30 अक्टूबर तक का समय है उसमें उनको अचानक लाभ होने की संभावनाएं होती हैं। तो इसी प्रकार हर प्रकार की राशि, हर प्रकार के लगन का अलग अलग फल मिलता है। अब मेरे पास जितने दर्शक दिखाते हैं उनको या बताते हैं, जिनकी कुंडलियां मेरे पास कंप्यूटर में सेफ है, उनको तो मैं ग्रह चेंज होने से पहले ही बता देती हूँ कि आपके ग्रह इस प्रकार से चेंज हो रहे हैं, और आप कुछ ध्यान रखें अपनी वाणी पे, अपने बोलचाल पे, या अपने किसी भी प्रकार के जो उनके ग्रह बताते हैं। और जो मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है 9819300691 9999 4199338366। अब मैं अपने दर्शकों को ये बताती हूँ, मैं 11 बजे से 4 बजे तक की अपॉइंटमेंट देती हूँ। मेरा आपसे यही निवेदन है, आप और आपका परिवार सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, और
आगे जो मेरी वीडियो आपके पास आने वाली होगी वह जब राहु परिवर्तन होगा उसके ऊपर होगी। उससे पहले मैं आपको सूर्य ग्रहण के ऊपर एक वीडियो दूंगी, सूर्य ग्रहण का कहां पे और कैसा कैसा असर होगा और हमें इसमें क्या दान पुण्य करने चाहिए, हमें क्या इसमें उपाय करने चाहिए। और सूर्य ग्रहण के साथ मैं आपको एक वीडियो दूंगी नवरात्रों की, कि हमारी माँ किस सवारी पे आ रही है, उसका हमारे देश पे क्या लाभ होगा या हानि होगी, और हमारी माँ किस सवारी से विदा हो रही है उसका भी हमारे देश पे क्या लाभ होगा या हानि होगी,